दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। 69 यार, सहायक अध्यापक जो भर्ती है, अब उसके लिए यूपी में तो पूरा का पूरा बवाल कट ही रहा है कि रोज़ धरना प्रदर्शन किसी न किसी के सामने हो रहे हैं। मतलब दो तीन बार लोगों ने धरना प्रदर्शन किया अपने हक़ के लिए, क्योंकि 4 साल से वो बेचारे धरना प्रदर्शन ही कर रहे हैं, कुछ उनको हासिल हुआ नहीं है। ठीक है, अनुप्रिया पटेल हों और उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य जी और उसके बाद तुम्हारे राजभर जी, तो राजभर जी का तो उल्टा सीधा जवाब ही रहता है, जब नहीं थे बीजेपी में तब उनका जवाब कुछ और थे। अब वो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते लड़ते पता नहीं किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, जो भी है, बहरहाल अब इसमें कोई हल निकलता दिख नहीं रहा है यूपी में, क्योंकि ये पूरा मामला पेच फंस चुका है और ये पूरी की पूरी भर्ती वो चली गई सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो डिवीज़न बेंच से जीते थे, मतलब ऐसे मान लो ओबीसी और एससी के जो छात्र जीते थे, उन्होंने पहले ही कैबिएट दाखिल कर रखा था सुप्रीम कोर्ट ने। कैबिएट का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि कब भी अगर कोई सामने वाली अपोजिट पार्टी अगर आपके पास केस करती है या एसएलपी डालती है, तो सबसे पहले आपको इंगित किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये कैबिएट होती है, तो आप सुरक्षित हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ये 69,000 शिक्षक भर्ती में जो भी हल होगा, 27% ओबीसी का आरक्षण पूरा और 21% एससी का आरक्षण पूरा, ये सुप्रीम कोर्ट ही हल निकालेगा। कैसे निकालेगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, वो तो बात की बात है। और अपने जो अपोजिट पार्टी है उसके अपने तर्क हैं, एससी और ओबीसी वालों के अपने तर्क हैं, क्योंकि ओबीसी वालों की सीट मुश्किल से वही 3.5-4% भरी गई हैं और एससी वालों की 16.5, मतलब 17 मान सकते हो लगभग। तो इसमें बहुत सारा अभी घपला है। अगर उसके हिसाब से 69,000 भर्ती के हिसाब से अगर इतना भी आरक्षण जो बचा हुआ है रिमेनिंग, उसके हिसाब से ही बैठता है 18-19,000। तो ठीक है, तो ये कैसे हल निकालेगा, कैसे सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि भाई इस प्रकार से आप करिए, या राज्य सरकार को डायरेक्शन देगा? सुप्रीम कोर्ट से तो कोई ऊपर हो नहीं जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट कहेगा तो राज्य सरकार को 100% मानना ही पड़ेगा। और डिवीज़न बेंच का जो फैसला है, आप सोच, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि डिवीज़न बेंच का फैसला माना जाएगा नहीं माना जाएगा, 100% उसका रिव्यू होगा, और अगर रिव्यू क्या होगा, उसको मानने के लिए बाध्य होगा वो। और डिवीज़न बेंच का जो फैसला आया है, जो ऑर्डर आया है, उसको पढ़ेगा पहले सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद अपना चीज़ें उस पर ऐड करे या क्या करे क्या नहीं करे, वो तो बात की बात है। लेकिन उसको सबसे पहले अच्छी तरह से रीड करेगा, तभी आगे की चीज़ें प्रोसीड करेगा। क्योंकि उस जो डिवीज़न बेंच का फैसला है लखनऊ वाला, तो वो उसमें सब कुछ है। उन्होंने कह दिया है कि 3 महीने के अंदर भर्ती आप रिविजिट करिए पूरी लिस्ट को, तो सारा कुछ उसमें मसला हो ही गया, तो फिर उसमें बचानी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब लोग गए हैं, तो वही हल निकालेगा और आपको राहत मिलेगी, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि आपने जो मेहनत करी है, जो 4 साल से आपने जो धरना प्रदर्शन किए हैं, उसका आपको फल मिलना ही मिलना है, क्योंकि आपके साथ गलत हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये 27% ओबीसी का, 21% एससी का, ये हल अब बताएगा सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।